हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करेंगे रेट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 की संपूर्ण आंसर की के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको संपूर्ण आंसर की यहां पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 24 जुलाई को जिसका भी एग्जाम हुआ था वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आपको सही और सटीक आंसर की जानकारी मिल सकेगी, जिसमें यहां पर एसएसटी का, यहां पर साइंस मैथ एसएसटी, जिसमें आपको यहां पर सामान्य असामाजिक का, ठीक है, सामाजिक का और साथ में जितनी भी लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज का भी आपको यहां पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर चौथी पारी का पूरा पेपर का आपको आंसर की आपको यहां पर एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट 24 जुलाई को जिसने अभी एग्जाम दिया था, इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आपको सही और सटीक आंसर मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको यहां पर जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको रेट 2022 की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड, इसकी यहाँ पर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर की कार्ड मैं डायरेक्ट आंसर की का यहाँ पर पीडीएफ करने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं ये ऑफिशियल आंसर की तरह, इन आंसर की तरह ही यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो पूरी आंसर की यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसरों के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी संपूर्ण डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दे सकते हैं ए सीरीज वाला है, ठीक है। ए सीरीज के जिसके भी यहाँ पर लेवल टू में शिफ्ट 4 का आपको यहाँ पर आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर पहला खंड आता है हमारा यहां पर सेक्शन नंबर 1, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन है आपको यहां पर, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, कौन सी ही सीखने की प्रक्रिया में है, तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, किसमें व्यक्ति रहता है, तो फ्रेंड्स यहां पर आपकी राइट आंसर को क्या हो जाएगा, सूक्ष्म प्रणाली, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, तो फ्रेंड्स आपके यहां पर तीसरे क्वेश्चन है, खालिस्तान पूछा गया है, खालिस्तान ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर हार्वर्ड बारकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है मान्यता, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, अब यहाँ पर अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार एवं व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो फिर इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिगम कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आरटीई अधिनियम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आगामी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, छठे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, अनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस ओर प्रसर है, ठीक है, अग्रसर है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जानवरों को प्रायोगिक प्रजनन, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आरटी से तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है, तो फिर इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे, ठीक है, डी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है, ठीक है, जैविक निर्धारक नहीं है, तो फिर इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से चेकआउट बताइएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर संदिग्ध लगते हैं यानी कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो वो आप कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। मेरे से अलग क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको कमेंट में जरूर बताएगा, मैं उसका भी आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे दूंगा क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाइन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डी ऑप्शन है, स्थिति जन्य संरचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स टेंथ में, जिसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, तो फ्रेंड इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए प्रगति, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। फ्रेंड्स 11वें में आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, गतिशील दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परीक्षण की संदर्भ में दो भिन्न अवसरों पर एक परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धकों की संगति से है, तो इसका यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका विश्वसनीयता राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स 13वां में है 2009। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आरटीई अधिनियम से आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां। ठीक है, इसके बाद शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए, तो इसका यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अधिकम विवाह से कौशल सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितोषी तथा दंड के माध्यम से सीखना है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है, क्रिया प्रसूत प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जिसमें पूछा गया कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, इदम अहम पराहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रकृति को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन समस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ठीक है सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती हैं और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती हैं, सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन है, आंतरिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, प्रगतिशाली की पहचान। ठीक है, प्रगतिशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परिणाम। ठीक है, परीक्षा का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक कार्य प्रगति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, असीम जीवन शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो इसका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, डार्विन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, इसका जो राइट आंसर है चक्रीय चरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, विचारक कहलाता है, विचारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बुद्धि सूत्र पूछा गया है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम ए बटा सी ए गुणा सो। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मसातिकरण है, आत्मसातिकरण क्या है, तो इसका आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, यह आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें राइट आंसर है पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई देती है उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सी प्रक्षेपी तकनीक में प्रयोग किया जाता है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, निर्धारण मापनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है
तीव्र मंदता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स खंड आपको यहाँ पर खंड सेकंड है जिसमें भाषा है, भाषा फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिसकी भी आपको हिंदी है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर गद्य से दे रखा है और इनमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि फ्रेंड्स 31 से 36 तक क्वेश्चन करने हैं। और इसमें पूछा गया कि विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है, निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित पद में भिन्न रखने वाला वाक्य है, तो इसमें आपको यहाँ पर 31 में राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, दुखद पूर्ण प्रत्यास्मरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में बहुवचन शब्द हैं, ठीक है, इन शब्दों में बहुवचन कौन से शब्द में हैं, तो इसका राइट आंसर राते है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि धोखा ये किसी को नहीं देता, ठीक है, वाक्य किस काल का है, ये पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 34वां, जिसमें पूछा गया कि निम्न भिन्न लिंग का उदाहरण है, तो भिन्न लिंग का उदाहरण कौन सा है, आपको यहाँ पर बी ऑप्शन होगा प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम और प्रात दिन, ठीक है, श्याम और प्रात दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की दृष्टि से दृष्टिवृत्त करता है, वाक्य में रेखांकित पद का विपरीत लिंग होगा। ठीक है, तो आपको विधाता का विपरीत लिंग पूछा गया है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका विधात्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 36वां क्वेश्चन पूछा गया कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या वाक्य होगा। ठीक है, इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में आपको परिवर्तित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये प्रकृति के जवान साधु बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य कौन सा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ए ऑप्शन, सगुन मेरी सहेली, ए ऑप्शन राइट आंसर। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य कौन सा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूला दुख दर्द याद आना, तो अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घाव हरा होना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40वां, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण उपागम में कीट और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा यहाँ पर 43वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तर्क और शक्ति बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, वाक्य बालक के लिए किस काल के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाक्य किस काल के लिए कहा जाता है जो कि बालक के लिए है, इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है, किशोर काल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श पठन विशेष सामग्री प्रश्न पूछना विधि प्रतियोगिता का आयोजन कहानी नाटक बाल कार्यक्रम सुनना बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास के किस स्तर के बालकों के लिए है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उच्च प्राथमिक स्तर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है, तो कौन सा समय होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 6 से 9 वर्ष के आयु वालों के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ पर सी, शिशु स्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा है, तो इसमें डी ऑप्शन है उच्चारण शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत ग्रंथों के नाम लिखिए। ठीक है, प्रश्न का प्रकार है, ठीक है, तो इसका प्रकार कौन सा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन है लघुत्तर प्रश्न। ठीक है, फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो 47वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, ठीक है, तुलसी ग्रंथ का हमने बता दिया है, ठीक है, लघुतर और 49वां है निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, अति व्यापकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है परंतु यह लाभकारी तभी हो सकती है
जब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए रखे हैं तो इनमें से आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षण परीक्षा के प्राप्त अलग अलग दर्शाए गए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 51 से 60 तक अंक करना है और 31 से आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि घोर शब्द का पर्याय है, पर्यायवाची क्या है घोर शब्द का। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कठिन होता है। ठीक है, घोर का कठिन पर्यायवाची। ठीक है, अत्याचार शब्द संधि का प्रकार है। ठीक है, अत्याचारी में कौन सी संधि है? ठीक है, तो ये पूछा गया है, इसको इसका राइट आंसर होगा यण संधि। 53 है, कालाग्नि शब्द में समास है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन किस कौन से शब्द में है? तो आपको पवित्रता में भाववाचक संज्ञा है। शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें अव्यय शब्द हो जाएगा छाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है, वाक्य में रेखांकित का विशेषण प्रकार कौन सा है? बहुत का विशेषण प्रकार आपको बताना है। ठीक है, फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 57। ठीक है, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है, तो फ्रेंड्स 57 में आपका राइट आंसर होगा सी, भाववाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर है एक, सात्विक। ठीक है, कोप शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? कोप का विलोम शब्द पूछा गया है, तो बताइए को क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रोष होगा। ठीक है, उद उपसर्ग वाला शब्द है। ठीक है, उद उपसर्ग किसमें है? तो फ्रेंड्स यहां पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्साह में आपका उद उपसर्ग है। सेकेंड लेग में जी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट आपके यहाँ, तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन दिए होते हैं, ये आपको करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, पहला चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, हेड इट बी रनिंग फॉर द लॉन्ग, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है वाज रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन, तो इसका यहाँ पर चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबो सेंटेंस, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, जो कि फ्रेंड्स ही कॉल अपॉन ही वन टू विद Witness his the resolve never to steal again। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, choose the affricate sound। ठीक है, affricate sound कौन सा है? इनमें से आपको यहाँ पर select करना है, तो इसका यहाँ पर A option हो जाएगा। ठीक है, next क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देते हैं phonetic symbol कौन सा है? Transcription for the word आपको यहाँ पर guttation। ठीक है, गोटेशन का आपको यहाँ पर फाउंडेशन सिंबल चूज करना है। ठीक है, तो प्रिंट्स आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ द लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी फॉलोड इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, फॉलो द नेचर। ठीक है, नेचुरल वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ, तो यहाँ पर 37वें में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। ठीक है, ग्रेजुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसलेशन क्यूब। ठीक है, ग्रामर मेथड। ठीक है, तो एक आपके यहाँ पर ट्रांसलेशन क्यूब ग्रामर मेथड के आपके यहाँ पर डिटेल से प्रिंसिपल पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर 38वें पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, विच मेथड इज द विडवे बिटवीन द टू ओल्ड मेथड, यहाँ पर इसमें करना है ट्रांसलेशन क्यूब ग्रामर मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ब्लाइंड का। ठीक है, ब्लिंगुअल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ दीज इज द रिलेटेड टू द इंडक्टिव डीएक्टिव ठीक है मेथड ऑफ द टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, सो फ्रेंड्स मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा
नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो फिर इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर विच स्किल द बेसिक ऑफ द गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डी ऑप्शन इसका यहाँ पर फिर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपको यहाँ पर लिसनिंग स्किल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट द टेक्निक फॉर द स्पीकिंग स्किल। तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थॉम्पसन एंड व्हाइट, ठीक है, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव आर द ऑफ टीचिंग रैपिड रीडिंग, ठीक है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिला है, हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो फ्रेंड इसका यहाँ पर गलत होगा तो आपको यहाँ पर इसके बोनस आपको मिल जाएंगे, यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ओपिनियन दैट द रीडिंग एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड बाई रीडिंग बुक इन सोल्यूट्यूड विथ द ईज इंटरेस्ट एंड प्लीजर। तो इसका यहाँ पर 44 में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर है वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल रीडिंग इज आल्सो नाउ एज, तो इसका लाउड रीडिंग हो जाएगा सी ऑप्शन है, ठीक है। 46 में चेकलिस्ट रीडिंग रेटिंग स्केल इंटरव्यू स्केल एंड अनेकडोटल रिकॉर्ड आर टूल्स फॉर, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, ठीक है। 47 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट द टेक्निक ऑफ द इवोल्यूशन, तो इसका यहाँ पर 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपको यहाँ पर थोड़े से डाउट है तो आपको यहाँ पर आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में चेकलिस्ट टेक्निक इज द यूज फॉर इवोल्यूशन, तो आपको यहाँ पर 48 में राइट आंसर हो जाएगा ए रिजल्ट्स अटेंडेंस और प्रिंसिपेशन इन द गेम स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 विच ऑन ऑफ द दिस कमीशन एंड कमिटीज, ठीक है, हैज नॉट मेड रिकमेंडेशन टू द इनकोर्ज इंटरनल, ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट थ्रू द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो 49 में आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, मिडिल ईयर कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां जो कि फ्रेंड्स विच ऑफ द दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई, ठीक है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 में, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ए है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर पेसेज यहाँ पर दे रखा है, इसमें से आपको यहाँ पर आंसर देना है, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखते हैं चूज द सैन्यून ऑफ द वर्ल्ड वेटिलिटी, ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी एनर्जी, ठीक है। चूज द एनाटॉमी ऑफ द वर्ड इंग्यूस, इंग्यूस का आपको यहाँ पर एनोम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो 52 में आपको यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 चूज द करेक्टली स्पेल टू वर्ड, ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, तो 53 में सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें एडवर्ड फॉर द वर्ड आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव विल बी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में एडवर्ड कौन सा है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 54 में आपको राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। 55 चूज द वर्ड फॉर द टेंडेंस टू डू नथिंग और टू रिमेनिंग अनचेंज्ड, तो 55 में आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर फ्रेंड्स डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इन एरिया, ठीक है, इनेट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेसेस वर्ड दे रखा है जिसमें आपको यहाँ पर इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। खालिस्तान दे रखा है एंड एवरी द ऑर्डर और इमेजिएबल कम्फर्ट एंड लग्जरी हिज इमेज इज, ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है एन एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द कंपाउंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द फेस वेल ब्रेंड प्रिंट्स, ठीक है, तो 57 में आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है वेल ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द दिस फेज, ठीक है, फ्रेज हैज डिटरमाइनर इन इट, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रिंट्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन है दीज चिल्ड्रन हु आर द थ्रू द अब अलोंग इंटरली बाय द थर्ड अटेंडेंस डेवलप ए ट्विस्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 degrees ऑफ द एडजेस्टिव, ठीक है, इन दियर करेक्ट फॉर्म, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल मोर सिंपल मोस्ट सिंपल, ठीक है।
तो फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, इंग्लिश में मेरी आपको यहाँ पर कमजोर है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं संस्कृत का, जो कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज है ये भी, ठीक है, भाग थर्ड में, ठीक है, सेकंड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सह छात्र अस्थि रेखांकित क्रियापदम लंग लकारे परिवर्तित। तो फ्रेंड इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, आसित, ठीक है। छिन्न में ईमा संख्या संस्कृते लिखित, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको संस्कृत में लिखना है, तो इसका यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा है षष्ठ नवम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका गय ऑप्शन यहाँ पर 33वां है, गय कार्य से उच्चार 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 स्थानमस्ती, ठीक है। ने इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ई, कंठ है, ठीक है। माहेश्वर सूत्रेशु जस प्रत्याहरण वर्णाम कर विद्यते, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ग ब ड ड द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा अस्य वाक्यांश संस्कृत अनुवादम अस्ति, तो 35वां आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्र है गुरु गुरु प्रश्नम प्रश्यति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षात पत्राणि पतन्ति अस्य वाक्यस्य भाववाच्य रूप भविष्यति, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है वृक्षात, ठीक है, वृक्षात पत्री है पत्यति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वम स अहम च संस्कृतेन वदन्ति वाक्य वाक्यमिदं संशोधयति, ठीक है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका त्व स अहम च संस्कृतेन वदाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, जिसमें आपको यहाँ पर बाल का भी सह शिक्षिका गचन्ति रेखांकित पदेन प्रश्न निर्माण कुरुते, तो आप प्रश्न निर्माण करना है इसका, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है का भी है सह शिक्षिका गचन्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानम समुचित पदेन पूरयित्वा सुक्ति योजत है, ठीक है, श्रद्धावान लभते, तो कालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन है ज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता पुत्र पर क्रोध करता है या अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम करणीयम, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका यहाँ पर राइट आंसर है पिता पुत्राय क्रूर दीयते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन विदो छात्रा भाव प्रकाशनस्य शक्तिर विकास है भवती तथा छात्रेषु स्वाध्याय से प्रवृत्ति आयाति, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है विवाद विदे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोय विधि ही पूर्णादशम प्रति इतिसे सूत्रकारनुकरणम करोति, तो 42 में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन, इसका यहाँ पर राइट आंसर है विश्लेषणात्मक विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है मौखिक कार्य से प्रधानता, ठीक है, मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन स्तर भवेत, ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है प्रारंभिक स्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचाराभिव्यक्ति काव्या, ठीक है, काव्यम कौशल्यम क्रियते, तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका यहाँ पर राइट आंसर है भाषण लेखनाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम विधेयते, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है दूरदर्शनम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 46वां क्वेश्चन, ठीक है, अतीत पाठ से स्मरणाय, ठीक है, ज्ञानोपार्जनाय ग्रह कार्यकरणाय च केषामावश्यकता भवति, तो 46 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 बालक से शिक्षारंभ उपनयन संस्कारम केन प्राचीनतमेन विधिना गुरुणा प्रारंभे, तो 47 में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 68वां, ठीक है, काश्य परीक्षा है प्रकार निम्न विधव सन्ति रिक्त स्थान पूर्णम सत्यासत्य निर्णय बहु साधन प्रसन्न चात, ठीक है, तो ये आपको 48 में आपका यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा कश्य परिभाषा भाषा विधेयते, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन है भारो, ठीक है, भारोपीय परिवार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति,
तो इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन है, ठीक है, निबंधात्मक परीक्षा, ठीक है। और इसमें गद्यांश पूछा गया है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मानव जाति, ठीक है, मानव जाति इत्यत का विभक्ति, तो इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन है षष्ठी, ठीक है। त्रिभुवनम इत्रिम समास अस्ति, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर है, जिसमें आपको यहाँ पर 52 क्वेश्चन है, जिसमें आपको ए क्वेश्चन आपका ए आंसर है द्विगु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतास प्रत्येक का प्रत्यय, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर है बी ऑप्शन है, ठीक है, कत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि इत्यत्र का संधि, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, ठीक है, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदा सत्यम वच है वक्तव्य, ठीक है, वक्तव्य इत्यस्मिन वाक्य विशेषण पदम विद्यते, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि वच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी गद्यांश पूछा गया है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अलबत है अस्मिन पदे लकार वर्तते, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा लंग लकार, ठीक है। यूनाम आत्मा हूत्या रेखांकित पदे वचन अस्ति, तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है बहुवचनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हाँ यहाँ पर जिसमें आपको यहाँ पर विरणाम विरणाम सुदीर्घ परंपरा विदिति इत्यस्मिन वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा परंपरा, ठीक है। नेक्स्ट है पुण्य भूमि इत्यत्र का समास है, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन है कर्मधारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल का, ठीक है, बाल बाल्यकालादेव इत्येत्र संधि विचेत वर्तते, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है बाल्यकात है प्लस एव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उर्दू आई है तो उर्दू को यहाँ पर छोड़ दें क्योंकि हमारे को यहाँ पर उर्दू नहीं आती है, ठीक है। तो आपको उर्दू का आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं सिंधी, सिंधी को भी आपको यहाँ पर यहाँ से चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो सिंधी की भी हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक पर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट भी यहाँ पर मराठी भी आई हुई है, ठीक है, पंजाबी भी है। ये लैंग्वेज का आपको यहाँ पर आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, इनमें से आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त काव्यांश को पढ़कर आपके मन में विचार उत्पन्न होता है, ठीक है, कौन सा विचार उत्पन्न होता है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भाषा सेकंड है उसका आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, मैंने इस पर आंसर की नहीं बताई है, ठीक है। तो भाषा फर्स्ट आपको यहाँ पर फर्स्ट हिंदी पर मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट में करा दिया है, ठीक है। अब इसको भाषा सेकंड को हम छोड़ते हैं यहाँ पर। तो चलो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर खंड थर्ड का भी यहाँ पर हिंदी का भी सेकेंड लैंग्वेज है उसका भी यहाँ पर आंसर की आपको यहाँ पर बता ही देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये गद्यांश दिया हुआ है और इसमें आपको यहाँ पर पढ़कर आंसर देना है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर दे सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर आंसर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स एग्जिट में आपको यहाँ पर दे सकते हैं उपयुक्त वाक्य को पढ़कर आपके मन में विचार उत्पन्न होता है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपको यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति में पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थानों पर ठहरने को कहाँ कहते हैं, डार ध्रुम पलना बिछोना लव पलना के, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है सी, ठीक है, गण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचकली नायिका लता न सिरे सारी दे रेखांकित पद में उपयुक्त अलंकार है, तो इसमें राइट आंसर है ए रूपक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कवि के अनुसार वसंत का परिवर्तन दिखाई देता है, तो डी ऑप्शन है केवल पक्षियों पर, ठीक है, मन उचट गया था वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है, तो सी ऑप्शन है मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहा लेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका भी आपको यहाँ पर बी ऑप्शन है भेद पता करना, शुरू में गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित के पद में कारक उपयुक्त हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर कारक का पूछा गया है संबंध कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन उमग्यो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसमें प्रश्न होना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर किल पैट्रिक किसके शिष्य थे,
तो इसका ए ऑप्शन है पार्कर। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है, तो इसमें आपको यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन है अभिनय प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिलेख में विद्यार्थी को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है बड़े। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए, तो फ्रेंड इसमें कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स आपको इसमें ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको इग्नोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है, तो इसमें बी चित्र विस्तारक। नेक्स्ट मौखिक भाषा शिक्षण का प्रत्यक्ष विधि में कौन सा विधि नहीं है, तो इसमें आपको यहाँ पर गद्य शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, एक बार भी आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ, आपका गद्य शिक्षण सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन कौशल विकसित करने हैं तो निम्नलिखित सही तरीका है, तो इसमें आपको यहाँ पर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, तो बी ऑप्शन वैधता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ टारगर्सन और एम एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी है तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिकतम समस्या और कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है, तो इसमें बी ऑप्शन है। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है गद्यांश दे रखा है, इसमें आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे सकते हैं इसमें कठिन का रेखांकित आधार पर प्रत्यय व्यंजन प्रत्यय के आधार पर भेद है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर बी। ठीक है, लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप है, तो डी ऑप्शन है। ठीक है, लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला श्रृंगम युग्म का सही अर्थ है, तो इसमें बी ऑप्शन है। ठीक है, तो करगनी कमल हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द एक प्रत्यय के सही उदाहरण है, तो राइट आंसर है डी। ठीक है, भौतिकी औद्योगिकी निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है, तो राइट आंसर है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है संपू। निम्नलिखित में से किस शब्द के गुण संधि हैं, तो इसका आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा नीरस। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक पद तत्पुरुष समाज का उदाहरण है, तो इसमें ए ऑप्शन है जटाजूट। ठीक है, शब्दकोश कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर 88 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा गिरी प्रतिनिधित्व कठोर। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो 89 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, श्रृंखला। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको 88 में मैंने आपको बताया था, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर ए ऑप्शन है। ठीक है, डी वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ण दानवीर थे इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद कौन सा है, तो इसमें आपको यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है यू खालिस्तान यू अम्बेस्ट फॉर द यूर सेल्फ हिव द मेड फॉर द सच कॉमेंट, तो इसका यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश में बी ऑप्शन है। ठीक है, शूटिंग ही चेस्ड इट द चीप एट द फार एफ द खालिस्तान में कौन आएगा। ठीक है, तो 62 में आपको यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा कुड। ठीक है, द एयर सीम्ड टू द हेव क्या आएगा इसमें, तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा ऑर्गेनाइज्ड इन, इसमें राइट आंसर है आपका ग्रीसी। ठीक है, नेक्स्ट है एन ऑक्टेव इन द स्टिंजा विद लाइन्स। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 65 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है 80। ठीक है, 8। ठीक है, 8 हो जाएगा द 26th लेटर ऑफ द अल्फाबेट हैव सुड सिंबल। ठीक है, कितने सिंबल होते हैं, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, 66 में सी हो जाएगा 44। ठीक है, द पेनोटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइंड लेटर इन द वर्ड थीन इज, तो इसमें 66 में आपका यहाँ पर 67 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द लंग इज, तो इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड हैव द साउंड ऑफ द, आपको यहाँ पर साउंड देखने को मिलेगा, और इसमें आपको यहाँ पर 69 में ए ऑप्शन हो जाएगा पियर। एच इज ए साउंड कौन सा है, तो आपको यहाँ पर 70 में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन है व्यूसलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इन इम्परेटिव ऑफ, तो इसमें आपको यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा बाथरूम में फ्रीडम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पीकर इज द इसेंटियल खालिस्तान इज द रिलेशन ऑफ, तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सी है। ठीक है, कम्युनिकेशन अप्रोच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जिसमें आपको यहाँ पर तैयार रहे, खालिस्तान इज ए एडवांटेज, ठीक है, कम्युनिकेशन अप्रोच, तो इसमें आपको यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज हैज खालिस्तान में आपको यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए और डी यहाँ पर दोनों आ सकते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ा सी को इग्नोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर परिचित हुआ है, इफ ए बंगाली फैमिली लिव इन दिल्ली द चिल्ड्रन इज द फैमिली विल बी अर्न खालिस्तान इन फैमिली एंड खालिस्तान प्रो द इन्वायरमेंटल, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन है बंगाली हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन इज द डेनवर टू बेसिक्स, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन द इवोल्यू, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन है, ठीक है। 78वीं क्लास मैगजीन्स इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है 79, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीमेडियल वर्ड वर्क इज टू, ठीक है, तो यहाँ पर 79 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमेडियल टीचर शुड कीप द लर्निंग विद द फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका यहाँ पर 80 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर 81 का यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आपको आंसर देख सकते हैं, डू यू लाइक द इट ऑफ द पिज्जा, डू यू प्रेफर द हैमबर्गर, टू क्वेश्चन कैन बी कंबाइंड यूजिंग, ठीक है, दो क्वेश्चनों को जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स 81 में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है, और का उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम श्योर इट इज ट्रू दैट टू सेंटेंस कैन बी कंबाइंड यूज, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें कंबाइन करना है, तो डी दैट हो जाएगा, मेनी ए मैन खालिस्तान डू दिस, तो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा हेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड एंड सिल्वर प्रिसेस मेंटल क्या आएगा खालिस्तान में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का, खालिस्तान नो वन हेड टू वर्ड फॉर इट, खालिस्तान अंडरलाइंड वर्ड इन द लाइन फ्रॉम द पेसेज स्टैंडर्स फोर, तो 85 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये पैराग्राफ देखा, इनमें से आपको यहाँ पर आंसर देना है। नेक्स्ट है ब्लू इज द विंग ऑफ द हेलियन विल्ड द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द एक्सट्रैक्ट इज, ठीक है, तो 86 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट है द रेमी स्कीम इज द स्टैंड इज, ठीक है, स्टेंजा यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, तो 87 में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन है, जो कि ए ए बी बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 88 में आपको यहाँ पर सकते हैं द प्लॉट ऑफ द स्टोरी मे बी, तो आपको यहाँ पर 88 में आपको यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल, ड्रोविल वाज द वेल ऑफ द ओवर क्रिकेट टीम, तो 89 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है, मेटाफोर हो जाएगा। 90 में इनानिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन आर स्पोकन ऑफ द हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस इन, तो इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, ठीक है, पर्सनलिफिकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर संस्कृत की जो सेकंड लैंग्वेज वो आती है, ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन से नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो 61 में आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेना है, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां, जिसमें आपको यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी अनादि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 63 है, जो कि फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद 64 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं 64 में सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 65 में आपका सी ऑप्शन है सही है, ठीक है। 66 में फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 67 में देखा जाए, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 67 में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन से पूछा गया है, तो इसमें आपको यहाँ पर बी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप चेकआउट कर लेना है। संस्कृत को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर संस्कृत से सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पर वहां से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में।
इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पार्ट फोर में आपको यहाँ पर गणित वाला ए वाला सेक्शन है, ठीक है, जिसमें गणित और विज्ञान के दोनों क्वेश्चन से मिक्स है, ठीक है। इसमें 60 क्वेश्चन है, 30-30 क्वेश्चन है। पहले में आपको यहाँ पर दे सकते हैं, पहले में डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स मैं इसको भी यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आप यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा का पूरा यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसको भी छोड़ देते हैं और यहाँ पर विज्ञान के ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो विज्ञान के हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यहाँ से चेकआउट करते हैं। तो चलो फ्रेंड इसको भी यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 91 में आपको यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, आपको यहाँ पर इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्स माइनस वन वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर इसको भी समीकरण दिया रखा है, इसको भी यहाँ पर सोल्व करना है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, ठीक है, दो आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर समीकरण दे रखा है और इसको यहाँ पर बराबर बोलेंगे किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर 93 में डी बी ऑप्शन आ जाएगा, 7/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 जिसमें किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो इसमें आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है 12% होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हानि हुई और 750 में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 95 में ए हो जाएगा 665, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर यदि 5 केले 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों का मूल्य के बराबर हो तो 1 केले और सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो 96 में आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 3:2, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या कौन सी है। तो इसमें 300 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या ये है और यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, 5% की, 4% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। तो 98 में सी ऑप्शन हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, इसमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए चित्र में एक्स वाई और एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि यहाँ पर यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए अनुपात भी बराबर 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर कोण सी का मान ज्ञात कौन सा है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है इसमें 99 में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है जो कि फ्रेंड्स 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएँ दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं। तो आपको यहाँ पर 100 में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि सर्वांगसम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको 101 में आपको यहाँ पर डी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ए होगा जो कि फ्रेंड्स 64 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर होगा जो फ्रेंड्स। इसके बाद यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप कितना होगा। तो इसका यहाँ पर परिमाप सी ऑप्शन है जो कि 52 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स एक कमरा 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा 8 मीटर ऊंचा है तो इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन हो जाएगा 17 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 105, ठीक है। सारणी का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 107 में सी ऑप्शन है, ठीक है, 2 और 2 और 0 हो जाएंगे, ठीक है। 108 में एक साधारण वर्ष में 23 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है तो 108 में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 1/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है, तो इसमें राइट आंसर है डी सभी है। ठीक है, सभी आपका आंसर हो जाएगा। 110वां है जिसमें आपको यहाँ पर कौन सा गणितीय कथन सत्य है, तो इसमें आपको यहाँ पर गणितीय कथन सही बताना है, जिसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन है। ठीक है, मूल्यांकन मापन और निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो इसमें डी है पाइथागोरस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधि नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन है श्रुति लेखन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाते हैं। ठीक है, 114 में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन है प्रमेय कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यक्षमण कर सकेगा, ये कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है, तो सी ऑप्शन है ज्ञान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है, बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है, कौशल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन है यह बालक स्वेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपके पास 3 कोष्टक x प्लस 8 बराबर 27 2x प्लस 1 है, तो आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120वां जिसमें आपको यहाँ पर पूछा गया कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं एक बटा वाई का मान पूछा गया है, तो 120 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन है 7/12। इसके बाद यहाँ पर एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डाइस होती है। ठीक है, प्रकाश उत्कर्षण डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर विद्युत सेल परिवर्तन करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे प्रेक्षण का मापदंड नहीं है, तो इसमें आपको राइट आंसर डी व्यक्ति प्रकता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की सूखी डंडियों को चावल की सूखी डंडियों से चावल के प्रतिक्रमण में प्रयुक्त प्रक्रम कौन सा है, तो इसमें आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा थ्रेसिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद कौन सा है, तो सी है वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के काटने के प्रभाव से उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले केले माइन विलियन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो इसमें आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन है SO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म कौन सा है, तो डी ऑप्शन है बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केजी इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीयमान ईंधन है। ठीक है, सर्वाधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन कौन सा है, तो डी है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में नियत शिक्षण साधन का प्रकार कौन सा है, तो इसमें डी है क्रियात्मक साधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132वां जिसमें किस समूह में एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर 132 में बी ऑप्शन है प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात एक विकसित और परिपक्व अंडाशय को कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है फल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 34 में आपको यहाँ पर डी ऑप्शन है ऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पौधों में शोषण के दौरान ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विघटन करता है, तो इसमें 165 में आपको यहाँ पर 35 में सी ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण
को किसने वर्णित किया? तो फ्रेंड इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज राइट, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? तो इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक बोर डीटेला पर्टुसिस से। ठीक है, नेक्स्ट है मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? अपने यहाँ पर श्वेत है, ठीक है, यानी कि सफेद ग्रंथियां। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज राइट आंसर है एक्राइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन होने वाला रोग कौन सा है? तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर है डी हो जाएगा, रिकेटस। ठीक है, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो फ्रेंड इसमें आपको यहाँ पर बी ऑप्शन है हाइड्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन FSH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित रोग का उदाहरण है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन है गोनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट 144 में आपका ए हो जाएगा स्मृति विधि, यानी कि याद रखने की विधि। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन है सेक्शन एम सह सेक्शनिक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? तो चलिए इसमें डी ग्रामोफोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एक फल ऐप किसी क्षेत्र एक बल एप किसी क्षेत्र ए पर लग रहा है, यदि बल को दुगुना और क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है जो कि चौगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, तो इसका दूसरा शीरा एक तो फ्रेंड दूसरा शीरा क्या होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि फ्रेंड से ठंडा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट, आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रोयता सीमा होती है, जो कि फ्रेंड्स 10वीं का है, जो कि 10वीं क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर 20,000 से लेकर 20,000 तक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट आता है सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन, जो कि वाक 4 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं वीडियो लगभग आपको यहाँ पर 1 घंटे का हो चुका है, तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको रीड की पल पल की अपडेट ऑफिशियल अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपको थोड़ा सा एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन से यहाँ पर आते हैं, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो ए इसका राइट आंसर है वल्लभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिट से पता चलता है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। ठीक है, विनय पिटक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कौन सी नदियों ने मगध के यातायात जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा गंगा और सोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और उसे भूमि कर अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो 95 में इसका बी ऑप्शन है अग्रहार। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर अग्रहार जो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यानी कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती थी प्राचीन काल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? तो 96 में डी है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा
की गई थी, तो यहाँ पर है पुष्पमित्र सुंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी और बुद्ध चरित्र की रचना की है, तो यहाँ पर 98 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है अश्वघोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था, तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन इज राइट आंसर है, ठीक है, तो डी परगना हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जिसमें अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, यहाँ पर मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी, तो यहाँ पर कछुआ से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अवध के लिए कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन किस दिन निर्धारित किया गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा गया है और कब निर्धारित किया गया था, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन है, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 104 में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन है सही है 61वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है, तो फ्रेंड्स भारत की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को, इसके संघीय शासन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन इसका HC मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 300 का, जो कि फ्रेंड्स मैंने इसका आंसर पहले ही भी दे दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सामाजिक का मैंने लगभग वीडियो आपको बना दिया है, ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन 86 वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 109वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर आपको पूछा गया है कि 109 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, ये ऑप्शन है। भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन है ए ऑप्शन, जो कि 143 अनुच्छेद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट आंसर है 9 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, तो फ्रेंड 113 में है मंत्री परिषद की सलाह से, ठीक है। निम्न क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह का एक समूह है, आंतरिक ग्रह का समूह बताना है, जिसमें आपका बी ऑप्शन है शुक्र पृथ्वी बुध मंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है, तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, जो कि फ्रेंड्स आपको यहां पर दे सकते हैं 23 डिग्री से 66 डिग्री पूर्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विषुवत संबंधित है, तो फ्रेंड्स 21 मार्च से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है, तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ज्वालामुखी भूस्खलन और भूकंप चूंकि आंतरिक बल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तात्कालिक डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो फ्रेंड सी ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एक क्षत्रियो के दर्प का हनन करने वाला बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, शेखावाटी प्रदेश, विध्यांचल श्रेणी, लूनी बेसिन, माही बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, जोजड़ी, बांडी, जवाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सुमेलित कीजिए, एक अभ्यारण दे रखा है और वन्य जीव दे रखा है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए सी सी ए डी, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर मिलान करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मिलान कर लेना, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है, आप ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो 25वें भी यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें डी ऑप्शन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपको खनिज दे रखा है, दूसरी तक उपभोग, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, यह आपको चेकआउट कर लेना, मिलान कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126वां है, जिसमें उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जो कि फ्रेंड्स जयपुर में है, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंटों के डाउट थे, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, जयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन होगा 30 जनवरी 1528 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जांबोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोले किसान आंदोलन के व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। राजस्थान एकीकरण में प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी? मत्स्य संघ की स्थापना आपकी यहाँ पर की गई थी फ्रेंड्स बी ऑप्शन है 18, ठीक है, 18 मार्च 1948 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान संघ सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पतिंग, राम नारायण चौधरी, हरिभाव किंकर ने किंकर के योगदान से कहाँ की गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही, भीनमाल में, ठीक है, पिछोला, सॉरी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर इसका भीनमाल नहीं होगा, वर्धा में की गई थी, ठीक है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा राणा लाखा के काल में हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स 132 में आपका राणा लाखा हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वय जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 133 में आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स ज्योतिष से संबंधित है, ठीक है। 134 है, पिचुवई चित्रांकन किस चित्र शैली चित्रकला शैली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन होगा नाथद्वारा चित्रकला शैली से। नेक्स्ट है, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उप बोलियां हैं? तो इसमें मालवी हो जाएगा, ठीक है, मालवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, कौन कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीराबाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, अवकाश के समय सदुपयोग का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रणाली का महत्व है? तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि समय और परिश्रम, विषय वस्तु की स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखा से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने की सहायता करते हैं, यह परिभाषा किसने नहीं दी थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा यहाँ पर दी गई थी, 139वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश ने किया था? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन है, जो कि यूएस ने किया था, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन है, व्यक्ति प्रता, ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं, तो इसमें डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी हैं, सामाजिक, जनतांत्रिक, कलात्मक और मनोरंजन मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलनात्मक, ठीक है, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए उपयुक्त
हैं। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान से सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन है मनोविज्ञान। ठीक है, निम्नलिखित में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? तो सी स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं? सूचना तकनीकी के मुख्य घटक डी है, उपयुक्त सभी, जो कि प्रिंट ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थानीय पवने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित तो होती है? तो सी पछुआ पवने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ए ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वेगुलाई धाराएं हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और दो हो जाएगा, पहला और दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन है। ठीक है, हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल और शिवालिक के मध्य। तो फ्रेंड्स जो भी आपको यहाँ पर जो भी कैंडिडेट को वीडियो अच्छा लगती है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको रीड की पल पल की अपडेट्स मिलती रहे। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अब आपके कट ऑफ के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती हैं, तो अपने सही कितने आंसर निकले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।